बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया कल जो 1 से 5 का वर्ग है जिसको हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहते हैं, उसके लिए एक कट ऑफ की वीडियो बनाई गई थी। उस कट ऑफ की एनालिसिस करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने में हमसे चूक हुई थी। तो उसके आधार पर एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं जो 1 से 5 का वर्ग है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपको पता है आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आज ही आपका रिजल्ट आ सकता है या हो सकता है कल आपका रिजल्ट आ जाए। और 10-15 दिनों से आपने दुनिया भर की कट ऑफ वाली वीडियो देखी होगी, तो पहले यहां पर सारा एनालिसिस एक बार करके देखते हैं कि क्या यह सही है गलत है और उसके अनुसार हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है अनारक्षित में जो पुरुष वर्ग है उसकी 1088 सीटें हैं, और अनारक्षित में यहाँ पुरुष नहीं लिखा होता है, सिर्फ अनारक्षित ही लिखा होता है, महिलाओं की कोई सीट नहीं है। इसी प्रकार EWS, BC और EBC जो महिला पुरुष हैं उनकी कोई सीटें नहीं है, तो ये सभी लोग इसी 1088 में जाएंगे यानी अनारक्षित में ही जाएंगे। SC कैटेगरी में पुरुष की कोई सीट नहीं, महिलाओं की 3142 सीटें हैं, और ST कैटेगरी में पुरुषों की कोई सीट नहीं, महिलाओं की 183 सीटें हैं। PH कैटेगरी की 1088, जो 4 ग्रुप होते हैं PH में, उनको मिलाकर 1088 सीटें हैं, और एक्स सर्विसमैन की 66 सीटें हैं। तो पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, इन कैटेगरी पर बात कर लेते हैं। देखो भैया SC कैटेगरी जो हमारी बिहार की बहनें हैं जो SC कैटेगरी में हैं, वो सोच रही थी कि उनका जो मिनिमम कट ऑफ है 39 नंबर, उससे आयोग थोड़ा सा मेरिट नीचे करेगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो 35 नंबर पे, 36 नंबर पे, 37 नंबर पे, 38 नंबर पे लटकी थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वही लोग इस भर्ती में हैं। इस भर्ती जो द्वितीय चरण की भर्ती है इसमें कोई नया स्टूडेंट नहीं आया है। भैया 1.5 महीना 2 महीना में किसी को एक नई डिग्री थोड़ी मिल गई है, तो वही पुराने वाले स्टूडेंट हैं जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में थे। आप बाकी कोई नया स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी 39 नंबर SC कैटेगरी महिला की, उतना ही कट ऑफ जाएगी 39 नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बच्चों के 50 नंबर आएंगे, कुछ के 45 नंबर आएंगे, लेकिन मिनिमम बात करें तो मिनिमम आपका 39 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो SC कैटेगरी की महिला है, पिछली बार भी सीटें खाली रह गई थी और इस बार भी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी। ये 3042 दिख रहा है ना, ये पूरा भरा नहीं जाएगा, इतना मुझे 100% उम्मीद है। ST कैटेगरी की महिला 183 सीटें हैं, सीटें बहुत कम हैं, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी सीटें खाली थी और इस बार मेरिट कुछ नहीं जाएगी। जितना पासिंग मार्क है 39 नंबर उतना अगर आपके हैं तो आप बढ़िया से सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। PH कैटेगरी में कट ऑफ की कोई बातें नहीं है, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे आप SC ST से हैं तो मिनिमम आपको 39 नंबर चाहिए, अगर आप अनारक्षित में PH हैं तो आपको मिनिमम 48 नंबर चाहिए, तो मिनिमम जो पासिंग मार्क है वही आपका कट ऑफ रहेगा, इसकी कट ऑफ की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन की 66 सीटें हैं, इसमें भी कट ऑफ की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जो पासिंग मार्क है 39 नंबर अलग अलग कैटेगरी का होता है, अगर आप अनारक्षित में एक्स सर्विसमैन हैं तो पासिंग मार्क 48 नंबर होता है, तो जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसका जो पासिंग मार्क है वही आपका कट ऑफ रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनारक्षित में जो 1088 सीटें हैं जिसमें दुनिया भर के लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए बात करते हैं भैया, पिछली बार का जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जिसके 55 नंबर थे, जिसके 50 नंबर थे, जिसके 60 नंबर थे, सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब कट ऑफ आई 67 नंबर तो सबके होश फाख्ता हो गए। तो ऐसे बच्चे जो 50 नंबर वाले थे, 55 नंबर वाले थे, वो हिम्मत बिल्कुल हार गए हैं। BPSC का पेपर जो का जो कठिनाई स्तर था उसको देखकर, और उन सभी लोगों ने इस बार फॉर्म भरा ही नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम 10 लाख 15 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो BTC वाले हैं, अगर वही चले जाते बिहार में तो सीटों की बात तो छोड़िए, पूरा बिहार भर जाता। तो कहने का मतलब ऐसे अनेकों स्टूडेंट हैं, अनेकों नहीं लाखों, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो हिम्मत हार गए थे, 50 नंबर लेके, 55 नंबर लेके, 48 नंबर लेकर बैठे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार का उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। फॉर्म भरा किसने है, सब दूसरी बात है, फॉर्म भरा किसने है, फॉर्म भरा है जिसमें थोड़ी दम बची है, जिसमें थोड़ा सा दम बचा है। 67 नंबर कट ऑफ थी तो 66 पे था, 65 पे था, 64 पे था, 63 पे था, लटका हुआ स्टूडेंट था, 1-2 नंबर से लटका था, सोच रहा था कि सेकेंड लिस्ट आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आयोग ने सेकेंड लिस्ट तो निकाली नहीं। तो ऐसे जिनमें दम बचा है वही स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, जिनका दम निकल गया है, जो 50 नंबर और 55 नंबर लेके बैठे हैं
उनका दम निकल चुका है, उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब है कौन स्टूडेंट, कोई नया स्टूडेंट तो है नहीं, नया स्टूडेंट अगर होगा भी तो 1-2% होगा, कोई नया स्टूडेंट नहीं है। आपका जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें कोई नया स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक है, सब पुराने ही हैं और पुराने वही हैं जिनमें दम बची हुई है। अब दूसरी बात करते हैं ओल्ड पेपर और न्यू पेपर। ओल्ड पेपर मतलब प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती का, न्यू पेपर मतलब जो अभी शिक्षक भर्ती थी, इसी के तुलना करते हुए जो पिछला वीडियो था उसमें गलती हुई थी। अब ओल्ड पेपर की बात करते हैं, आपको पता है 67 आपके नंबर थे तो आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 67 नंबर पर भी डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत सारे लोग बाहर कर दिए गए थे। इस प्रकार 67 नंबर वाला, 66 नंबर वाला, 65 नंबर वाला, 64 नंबर वाला, अगर उनकी तुलना करें तो कम से कम 40,000-50,000 स्टूडेंट होंगे जो इस नंबर पर बैठे होंगे, यानी 60 के ऊपर 50-60,000 स्टूडेंट तो होंगे ही, और उन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा था। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट की हम तुलना करते हैं, पुराना पेपर बहुत ही खतरनाक था, इस बार वाला पेपर कुछ आसान था। अगर पुराने से तुलना करें तब आसान था, पेपर तो सारे खतरनाक होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं सब खतरनाक ही होते हैं, लेकिन अगर पुराने पेपर यानी प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती से तुलना करें तो इस बार वाला पेपर आसान था। अब तुलना करते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसके 65 नंबर थे, उम्मीद कर रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट 67 गई। अब उसने पुराना पेपर दिया था तब उसके 65 नंबर थे, लेकिन वही बच्चा अगर नया पेपर देगा तो उसके कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे। ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि आपने पुराना पेपर दिया होगा तो आपके 15 नंबर मतलब, और नया पेपर दिया होगा तो उसमें जो अंतर आ रहा होगा 10 से 15 नंबरों को आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम अंतर लेके चलते हैं। अगर किसी बच्चे का पिछले पेपर में 65 नंबर आ रहा है तो मैक्सिमम इस पेपर में वो 80 नंबर ला सकता है। और हाँ, एक बात और समझिए भाई, पढ़ने को किसी का मौका नहीं मिला था, जो आपने प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में थोड़ी बहुत किया था वही आपको यहां काम आएगा, पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। जो PIIT का पेपर था वो सबसे बाद, जो इसका नोटिफिकेशन था वो सबसे बाद में आया था, 10-15 दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत रिवीजन जिसने किया हो तो अच्छी बात है, पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, तो जिसने पुराना पढ़ा था उसका ही काम आएगा। तो यहां पुराने पेपर और नए पेपर से तुलना करें, पुराना पेपर मतलब प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का तुलना करें तो जो बच्चा 65 नंबर लेके आया था उसका इस बार नंबर बढ़ेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था, तो जो 65 नंबर पे है वो अधिकतम 80 नंबर तक पहुंच सकता है। किसी के 10 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 15 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 8 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, तो इस कंडीशन से आपका नंबर बढ़ सकता है। पुराने जो वीडियो में यही बात हमसे छूट गई थी। दूसरी बात आते हैं, जब भी सीटें कम होती हैं तो मेरिट ज़्यादा ही जाती है। पुराने स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर बात बता दिया है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें आसान पेपर मिला और आसान पेपर मिलने के कारण उनके नंबर इस बार बढ़ गए और पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। तो अब बात करते हैं, अगर आप प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती में हैं, लगभग 70,000 सीटों के लिए रिजल्ट आया था, 70,000 सीटों पर जो आपका रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी भैया, 67 गई थी। अगर यही 1,000 सीटें होती, लगभग 70, अच्छा एक चीज़ और समझिए, क्योंकि इसमें लोग कमेंट करेंगे कि सर 70,000 में तो जो आरक्षित वर्ग था वो भी शामिल था। एक बात फिर से समझ लीजिए कि अनारक्षित में सब शामिल होते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा होते वो अनारक्षित में चला जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी डिवाइड होती है, ठीक है, अनारक्षित में अगर 70,000-80,000 सीटें हैं तो 80,000 पूरा अनारक्षित में ही रहता है, रिजल्ट आने के बाद जिसके कम नंबर होते हैं को उसकी कैटेगरी में भेज दिया जाता है। तो अनारक्षित में सब शामिल होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो पिछली बार का कट ऑफ था 67 नंबर, अगर यहां पर सिर्फ 1,000 सीटें होती, जैसा कि इस भर्ती में सिर्फ 1,000 सीटें हैं, वहां पर लगभग 70,000 सीटों के लिए रिजल्ट दिया गया था, तो इसकी मेरिट 67 जाती, क्या आपको लगता है 67 जाती? अरे भैया, इसकी मेरिट कम से कम 85 जाती। आप यकीन करें या ना करें, अगर 70,000-80,000 सीटें ना होती प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती में तो UR की जो मेरिट है वो 85-90 जाती। कहने का मतलब सीटें कम होती हैं तो मेरिट बहुत ज़्यादा भाग जाती है। तो यहाँ पर सीटें बहुत कम हैं, पुराने ही बच्चे हैं, इसलिए हम अगर कहें तो 7 से 10 नंबरों की कम से कम वृद्धि होगी। सीटें कम होने के कारण जो मेरिट में वृद्धि होगी वो 7 से 10 नंबरों की वृद्धि होगी। तो यहाँ पेपर आसान के कारण हमने 15 नंबर की वृद्धि माना है, और सीटें कम होने के कारण जो वृद्धि माना है लगभग 7 नंबर का माना है, 10 नंबर भी आप इसे मान सकते हैं। तो यानी कि अगर किसी बच्चे का 65 नंबर बन रहा था पिछले पेपर में, तो 15 नंबर पेपर आसान के कारण बनेगा तो वो 80 पर पहुंच जाएगा, और 7 नंबर, क्योंकि आपका
सीटें बहुत कम हैं, मेरिट ज़्यादा जाएगी तो 7 नंबर अगर इस कारण बढ़ा दें तो यहाँ पर 87 बनेगा, यानी कि अनारक्षित में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कम से कम 87 रहेगी, 87 प्लस ही रहेगा। इसके नीचे तो मानने की कोशिश ही मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सीटें बहुत कम हैं, सारे बच्चे पुराने वाले ही हैं जो 1-2 नंबर से रह गए थे, और तीसरा आपका पेपर थोड़ा सा पिछले बार की अपेक्षा आसान था। अच्छा, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया NIOS बाहर हो गया, NIOS बाहर हो गया क्या फ़र्क पड़ेगा, NIOS बाहर हो गया क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, NIOS करता कौन है यार। अब बिहार में तो हम नहीं रहते हैं, बिहार की स्थिति हमें नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है वो NIOS की डिग्री लेते हैं, बिल्कुल लफंगा टाइप के लड़के NIOS की डिग्री लेते हैं। तो ये अगर NIOS वाले पेपर देने जाते तो भी इनका 50 नंबर 60 नंबर या 40 नंबर से ज़्यादा ना पाता। अरे कंपटीशन बढ़ता किससे है, कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट से बढ़ता है जो पूरा लूसेंट रट के बैठा है, पूरा किरण पब्लिकेशन गणित जो है रट के बैठा है, पूरी रीजनिंग रट के बैठा है, उसके कारण कंपटीशन बढ़ता है। जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सीट फॉर्म की संख्या बढ़ाते हैं उनके कारण कंपटीशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो NIOS के बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो ऐसा आज तक कोई बच्चा मिला नहीं जो NIOS से उसने डिग्री लिया हो और खूब बढ़िया टॉपर हो, मुझे नहीं मिला। आपको मिला हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपवाद हो सकता है, हर जगह अपवाद रहता है, इसमें भी अपवाद हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैंने इंटर क्वालिफाई किया है और मान लें ग्रेजुएशन किया है तो मैं अपने आसपास जो अच्छा कॉलेज होगा वहाँ पर पढ़ूंगा, वहाँ से शिक्षा लूँगा, फिर कंपटीशन में आऊँगा और सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। तो इनके बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, परेशान ना रहिए। चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ता है NIOS के बाहर होने से। तो ये सारी चीज़ें विश्लेषण आप लोग समझ गए होंगे, इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार का पेपर आसान था, तो जिस बच्चे का 65 नंबर आ रहा था अब वो कम से कम 10 नंबर 12 नंबर या अधिकतम 15 नंबर तो ज़्यादा लेकर आएगा ही। और दूसरी बात है, सीटें बहुत कम हैं तो मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको हम पिछले बार से भी तुलना करके आपको बता दिए हैं। तो हमने यहाँ पर मात्र 7 नंबर बढ़ाए हैं, आप 10 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो जिसके 65 आ रहे थे अब वो 87 पर मिनिमम रूप से 87 पर पहुँच रहा था, और जिसके यहाँ पर 67 है वो 88 या 89 पर पहुंच जाएगा। तो हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है 87 रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इसके ऊपर हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझिए, सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, अगर आप इसके नीचे हैं तो उम्मीद बहुत ही कम है। तो ये हमारा पूरा विश्लेषण था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।